इस समय कोरोना वायरस से रिलेटेड जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये है कि भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1000 के ऊपर चली गई है। आपको बता दें कि भारत में पिछले लगभग 35-36 दिनों से लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि आज की देर तक कोरोना वायरस के टोटल जो पॉजिटिव केस की संख्या है वो 31,000 के ऊपर चली गई है। वहीं अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी संतोषजनक बात करें तो अच्छी बात यह है कि 8,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। आज भारत में टोटल जो कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या आई है वो लगभग 1566 है। आपको बता दें कि पिछले हफ्तों से लगातार इसी तरह से किसी दिन 1500, किसी दिन 1400, 1300, इस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सरकार का दावा है कि यहाँ पे जो हमारी जो परसेंटेज वृद्धि है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की, उनमें कमी हुई है। बात यहाँ परसेंटेज वृद्धि की कमी और ज्यादा की नहीं, अगर हम ओवरऑल संख्या की बात करें तो लगातार कोरोना वायरस से जो संक्रमित मरीज है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम बिहार के बारे में बात करें, बिहार से जो कोरोना से लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है वो आपको बता दे कि बिहार में भी आज कोरोना के नए 20 केस डिटेक्ट हुए हैं। आपको बता दे कि इसके साथ ही बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या टोटल 366 हो गई है। हालांकि पिछले महीने से लगभग 30 दिनों तक बिहार ने कोरोना के खिलाफ काफी अच्छी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन पिछले हफ्ते से लगातार बिहार में भी केसेस मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही बिहार में अचानक से 60-62 पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ी थी। तो ये कुछ अपडेट था जो कोरोना वायरस से रिलेटेड था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बिहार डेलीगेशन आप लोगों से उम्मीद करता है कि आप लोग अपने घर पे रह रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। आप घर पे रहे और सुरक्षित रहे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।